हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यन एंड के किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ कद्दू की कचौड़ी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है कद्दू की कचौड़ी। फ्रेंड्स, इस कचौड़ी को ये मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व की हूँ और आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैम के साथ, रेड चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ। ये वैसे भी बहुत अच्छी लगती है अगर चाय के साथ आप खाएंगे तो। तो चलिए मेरे किचन में और मैं बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप तक मिलती रहे। फ्रेंड्स, कद्दू की कचौरी बनाने के लिए मैंने ये पका हुआ कद्दू लिया है, बिल्कुल पीला पीला हो जाता है, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और फिर इसका क्या करेंगे, हम ऐसे काट के पहले अंदर का पार्ट निकाल लेंगे और पतला पतला काट के। फ्रेंड्स, मैंने कद्दू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और अंदर का निकाल लिया है, अब इसके छिलके निकालेंगे। अच्छी तरह से छिलके को निकाल लेना है, जितने सारे हैं ऐसे इसके छिलके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा कद्दू 100 ग्राम है और इसको देखिए बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने कद्दू को काट के अच्छी तरह से साफ कर लिया, धुल लिया है, वॉश कर लिया। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए डालूंगी। बॉईल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा इसको डालना है और पानी डाल देना है बस। और इसको बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ। फ्रेंड्स, 3-4 विसल आने तक हम इसको कुक करेंगे, जैसे कि हमारा कद्दू अच्छी तरह से गल जाए, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, जो हम मैश करें तो बहुत इजीली मैश हो जाए। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं हमारा ये अच्छी तरह से बॉईल हुआ है कि नहीं। इसको मैं बाहर निकालती हूँ। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हुआ है। हाँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तरह से मैश हो जा रहा है, ये हो गया है। तो मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लूँगी, तब जाके इसको इसके साथ आटा गूंथूंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है जो 200 ग्राम है, जैसे एक कप है और इस कप में 200 ग्राम आता है। आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। मैं गेहूं के आटे में 1/4 टीस्पून अजवाइन लूंगी और अजवाइन को मैं हाथ से ऐसे क्रश करके डालूंगी, इसलिए डालते हैं कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आता है। एक पिंच हींग लूंगी, ब्लैक पेपर डाल दूंगी थोड़ा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल दूंगी एंड 1/4 मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। नमक टेस्ट के अनुसार डालूंगी मैं, जितना चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल डालूंगी। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं अब इसमें कद्दू ऐड करूंगी। फ्रेंड्स, जितना कद्दू लिया था मैंने उतना मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें अभी मैं पानी नहीं डालूंगी, पहले चेक करूंगी कि ये कद्दू से हो जा रहा है कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर कद्दू से ये ढीला होगा तो हम थोड़ा सा आटा मिक्स कर देंगे, अगर टाइट होगा तो हम थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ये ढीला हो गया तो अब क्या करें, आटा मिक्स कर सकते हैं।
कद्दू का मेजरमेंट या आटे का थोड़ा आगे पीछे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर लेंगे, मैं इसमें डालना भूल गई थी। आप पहले ही जब मसाले ऐड किए जा रहे हैं तभी आप डाल दीजिए, मैं डालना भूल गई थी। मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ऐसे करके। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा आटा बाइंडिंग होने में बाकी है, अभी बाइंडिंग नहीं हुआ, थोड़ा गीला है, तो मैं अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिक्स कर लूँगी। आपका भी हो तो ऐसा कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमारा डो रेडी हो गया है और इसको उतना ही करना है सॉफ्ट, जैसे हम रोटी और चपाती बनाते हैं इतना ही सॉफ्ट हमको रखना है, देखिए। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी कि थोड़ा वो सेट हो जाए। फ्रेंड्स मैं आटा ले लेती हूँ और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, देखिए इतना छोटा होना चाहिए, जैसे हम पुड़िया बेलते हैं वैसे ही। फ्रेंड्स मैंने पेड़े बना लिए हैं ये, अब मैं इसको बेलती हूँ और हम थोड़ा सा ऑयल लेके बेलेंगे। दोनों साइड में लगा देंगे ऑयल और हम बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है। देखिए हमें इतना छोटा और इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इतना बेलना है। फ्रेंड्स आइए चेक करते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, ऐसे एक छोटी सी लोई लेके इसमें डाल के देखते हैं। देखिए ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा तेल गर्म हो गया। फ्रेंड्स अब मैं पूरियां डालूंगी। देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है, दूसरी भी ऐसे डाल दूंगी। देखिए हमारी पूरियां कितनी अच्छी फूल रही हैं। अब हमको इसको करारे तल लेना है, क्रंची होने तक हमको इसको तलना है। फ्रेंड्स ये हमारी पूरियां हो गई है, ब्राउन हो गई है, मैं इसको निकाल लूंगी। मैं दूसरी भी पूरियां इसमें डाल दूंगी और इसको ऐसे ऐसे करते हुए हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे हिलाना है, इससे पूरियां फूलती हैं, बहुत अच्छी फूल जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स देखिए हमारी करारे कचौरी बनके तैयार हो गए हैं। एकदम इसे पूरी स्टाइल में बेला और इसे थोड़ा सा मोटा रखना है क्योंकि कचौरी थोड़ी मोटी होती है। और देखिए कितना अच्छा फूला हुआ है, एकदम करारी बनी हुई है। तो प्लीज़ आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ईजी है और बहुत कम टाइम में ही हो जाता है और बहुत टेस्टी होता है। आप टी टाइम के हिसाब से भी खा सकते हैं और आप कोई चटनी या जैम किसी के भी साथ इसे आप टीम अप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए कि ऐसी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप तक जाती रहे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।